हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं MDW Tech। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही एक अच्छी नॉलेज शेयर करने वाला हूं, जो शायद आप लोगों को कुछ को पता होगी और कुछ को नहीं पता होगी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जियो में UPI ID कैसे क्रिएट करें। तो आप जैसे लोग जानते होंगे कि ये माई जियो ऐप का लेटेस्ट फीचर्स है, जिसमें आप एक UPI ID बना सकते हैं और कहीं भी किसी को भी लेन देन कर सकते हैं। तो चलिए, इसका प्रोसेस आज मैं इस पूरी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, किस तरीके से रहेगा, क्या होगा, क्या करना है आपको, क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट नीड है और कहाँ आपको KYC के लिए क्या करना है। तो इसमें मैं बताऊँ आपको, इसमें जो KYC है वो ऑनलाइन रहने वाली है, बिल्कुल ऑनलाइन आपकी जो KYC होगी, घर बैठे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आना है आपको माई जियो ऐप में, जो जियो का ये ऐप है, माई जियो ऐप में आएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कॉर्नर में प्रोफाइल के पास UPI लिखा हुआ मिल जाएगा, न्यू लिंक है ये, अभी अपडेट हुआ है। तो UPI पे क्लिक करेंगे। UPI पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके का पेज खुल के आएगा, जियो UPI स्टार्ट होम। आप अपने होम से इसको कर सकते हैं, ए गुड नेटवर्क, और दूसरा इसमें ऑप्शन अपने आपको देखने को मिलेगा, ए नंबर स्विच द लिंक टू एनी बैंक अकाउंट, SMS सर्विस अवेलेबल फॉर द सेलेक्ट नंबर, उस नंबर पे SMS सर्विस होनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे बैंक चूज़ करने के लिए बोलेगा, आपका जो भी बैंक है आप उसको चूज़ कर लेंगे वहाँ से। तो मैं यहाँ पर अपना बैंक चूज़ कर लेता हूँ, आप एक मिनट, ये यहाँ पे मेरा SBI बैंक है, तो मैं आप यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब ये आपसे पूछेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट इज़ नॉट लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर से बैंक लिंक है आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है हमारा इस जो बैंक नंबर है जियो का, वो लिंक नहीं है हमारे बैंक में। तो गाइज, यहाँ पे जो है आपको जो भी आपका जियो का नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ से इसको UPI को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मेरा ये लिंक नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ रिट्राई एयरटेल से। एयरटेल से मैसेज सेंड करूँगा जो मेरा बैंक में नंबर लिंक है उससे, तो देखते हैं सेंड करता है या नहीं करता है। वेरिफिकेशन SMS सेंड करने के लिए प्रोसेसिंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, देखते हैं ये एयरटेल से करता है या नहीं करता है। वेरीफाई मोबाइल सक्सेसफुल हमारा हो गया है। ये गाइस, हमारा जो बैंक लिंक था, अकाउंट से नंबर लिंक था, वही नंबर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो भी होगा। तो देखना मेरा ये सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर अब हमें एक MPIN बना लेना है, जो कि कभी भी कहीं भी लॉगिन करेंगे आप इसको, तो इस एंटर MPIN की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपका प्रोफाइल पिन रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, MPIN क्रिएट करूँगा, ये 4 डिजिट का MPIN रहने वाला है। मैं यहाँ पे अपना ये MPIN सेट कर लिया है। प्रोसेस पे MPIN सेट करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। MPIN सक्सेसफुल हो गया हमारा। यहाँ से हम दोबारा से अपना जो बैंक है वो चूज़ कर लेंगे। तो ये फैचिंग योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये हमारे डिटेल अकाउंट की जो है वो फैचिंग करने लगेगा, थोड़ा सा वक्त लेगा, और ये यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर और सब कुछ अपना फेच कर लेगा। यहाँ पर जियो पेमेंट्स बैंक, वेलकम टू जियो पेमेंट्स बैंक, हमारे पास मैसेज भी आ गया। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है, लिंक योर बैंक अकाउंट टू जियो UPI, कॉन्ग्रेचुलेसन योर जियो UPI, हमारे यहाँ पे ये लिंक हो चुका है, जो कि जैसा कि अभी मैसेज हमारी डिस्प्ले पे शो हुआ था, आपने देखा होगा गाइस। तो अब ये नेक्स्ट प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पे हमें वेट कर लेना है थोड़ा सा, ये नेक्स्ट प्रोसेस करेगा और हमारे पास नए फीचर्स इसमें गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। तो उसमें मेरा ये यहाँ पर QR कोड और बैंक से ऑटोमेटिक इसका UPI ID लिंक हो गया है। इसमें अगर आपका UPI ID किसी बैंक का चल रहा होगा तो ये उसी से लिंक हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, मेरा जो पहले से फ़ोनपे और अदर्स
एप्लीकेशन बनी हुई थी वही लिंक यहाँ पे मेरा हो गया है और मैं जैसे कि यहाँ पे अपना बैलेंस भी शो कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, यहाँ से मैं पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। और न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं बैंक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और स्कैन करके भी पे कर सकता हूँ। एनेबल कैमरा अलाउ करेंगे और यहाँ से किसी भी स्कैनर को स्कैन करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे सेल्फ ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये सारा ही इसका फीचर्स। तो आप भी इसी तरीके से अपनी UPI ID को इससे जियो UPI ID से लिंक कर सकते हैं। ये एक UPI ID है जो कि फ़ोन पे होता है, जैसे जीपे होता है, जैसे पेटीएम होता है, वैसे ही एक UPI पेमेंट है। तो यहाँ पे आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। और थोड़ा अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें किसी भी अकाउंट से लिंक नहीं किया है, आपने अपना UPI ID नहीं बनाया है किसी भी फ़ोनपे या पेटीएम वगैरह में, तो आप जब इस पर लिंक करेंगे गाइस, तो इसमें लिंक करने का उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, जिसमें आपको KYC वगैरह सब कुछ करनी होती है। इसमें मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ था जो कि उससे लिंक हो गया है, तो इसलिए इसने ज़्यादा डिटेल मुझसे ली नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप पे कर सकते हैं किसी को भी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं अपने किसी फ्रेंड का UPI ID यहाँ पे डाल के सर्च करता हूँ तो आपके सामने आएगा ये। ये यहाँ पे मैं ID पेटीएम की ID डाली है मैंने, तो यहाँ पे मैं वेरीफाई करूँगा। तो ये देखिए आपके सामने कुछ ही देर में वेरीफाई होके दिस UPI ID इंटरेट। अभी इसमें कुछ आइडिया जो हैं जुड़ी भी नहीं है, तो आप इसमें जो शो कर रहा है वही आईडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस अपना अभी आप जियो UPI ID बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे चाहते हैं अपना किसी और बैंक अकाउंट को ऐड करना, तो यहाँ पे वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे दूसरा अकाउंट अपना जो ऐड करना होता है वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप UPI ID जो शो हो रही है आपकी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप नया अपना जो दूसरा बैंक है उसको ऐड कर सकते हैं, इसको रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऐड करके पंजाब ग्रामीण बैंक, तो ये फेचिंग बैंक अकाउंट डिटेल करेगा थोड़े, और उसको करने के बाद ये यहाँ पे बैंक हमारा शायद अभी ऐड नहीं है तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते। सर्व UPI के नाम से देख लेता हूँ मैं, सर्व हरियाणा है और सर्व UPI भी अभी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मेरा बैंक अभी ऐड नहीं हुआ है, जैसे ही ऐड हो जाएगा तो मैं यहाँ से अपना बैंक भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से मैं अपनी ID देख सकता हूँ। जो मेरी जियो ID है वो मेरा नंबर रहने वाला है, जो नंबर है @Jioआएगा उसके आगे लगा हुआ, और यहाँ से मैं माई UPI ID ट्रांजेक्शन्स और यहाँ से ऐड बैंक अकाउंट जो किसी को भेज सकता हूँ, सारा चीज़ सब कुछ मैं यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग कर सकता हूँ, जहाँ से फिंगरप्रिंट और चेंज MPIN कर सकता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऐप है जिसको आप, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे मिला है बिना बैंक अकाउंट के अपना पेमेंट को इजी एक्सेप्ट करना और किसी को पे करना। तो आप इस तरीके से अपना कर सकते हैं।